नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें और अंतिम चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर 19 मई को होने वाले मतदान में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी वोटिंग होनी है। वैसे इन सभी सीटों पर प्रचार मतदान से 48 घंटे पहले यानी 17 मई शुक्रवार को शाम 5 बजे समाप्त होना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का हवाला देते हुए आयोग ने राज्य में 16 मई यानी आज रात 10 बजे से चुनाव प्रचार प्रतिबंधित कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की सीएम ममता बनर्जी भी आज कई रैलियां और रोड शो के जरिए अपने वोटरों के बीच जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यह मुठभेड़ दलीपोरा इलाके में चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस मुठभेड़ के दौरान एक जवान शहीद हो गया। कोलकाता में मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो के दौरान भड़की हिंसा को लेकर शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने गुरुवार को अपने मुखपत्र सामना में प्रकाशित लेख में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घुसपैठियों के संरक्षक बताया है। भारतीय वायुसेना ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की यूनिट मिग 21 बाइसन स्क्वाड्रन को फाल्कन स्लेयर्स और एमरान डॉजर्स शीर्षकों के साथ नई पट्टियों से नवाजा है। अधिकारियों ने बताया कि 27 फरवरी को हवाई संघर्ष के दौरान पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने की उनकी बहादुरी के लिए यह सम्मान दिया गया है। लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर कांग्रेस नेता राज बब्बर ने हिटलर कहकर बुलाया है। राज बब्बर ने कहा कि 23 मई के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखने से पता चलता है कि यह हिटलर का आखिरी दिन था। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक बार फिर 2018 में मुंबई में हुए हमलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। सुषमा स्वराज ने बुधवार को कहा कि साल 2018 में मुंबई में हुए हमले को कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर सकती थी, लेकिन वह उसमें विफल रही। पीएम मोदी आज पूर्वी यूपी में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी आज से 2 दिन के वाराणसी दौरे पर भी रहेंगे। पीएम मोदी गुरुवार शाम को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां रात्रि प्रवास करेंगे। अमेरिकी संचार नेटवर्क को विदेशी दुश्मनों से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। बेल्जियम, जर्मनी और कुवैत ने उत्तर पश्चिम सीरिया में लड़ाई तेज होने के मद्देनजर हालात पर चर्चा के वास्ते बुधवार को सुरक्षा परिषद से एक आपात बैठक बुलाने को अनुरोध किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।